आप जानते हो घर घर में आपके रिश्ते और संबंध है। मैं 5 साल वहां सांसद रहा, कोई एक आदमी आपके बीच ये नहीं कह सकता कि मैंने घर में झगड़ा कराया या मैंने तुझे झूठ बोला। योगेश पे इल्जाम लगाएंगे, योगी जी मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं दंगा ही हूँ या मैं दंगे को भड़का सकता हूँ। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे बाबा थे चौधरी चरण सिंह, 1970 में उत्तर प्रदेश में गुंडा कानून चौधरी चरण सिंह की कलम थी, वो कानून उन्होंने बनाया था। बाबा जी आपने कोई कानून नहीं बनाया। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। ऐसा भर भर के वोट दो, मशीन को ऐसा भर के दो, हल्के के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ। भारतीय जनता पार्टी का चल भी जाते हैं, सारे नेताओं की चल भी काटने के। ये मैं आपको वादा करता हूँ, मुरई एक क्षेत्र का केंद्र बिंदु है। समझ के वादा करता हूँ, यूं नहीं करता। ये कोई असाधारण काम नहीं है सरकार के लिए। बना वीडियो और इस क्षेत्र के जहाँ ये सभा हो रही है, इस क्षेत्र के विकास में बड़ी भूमिका रहेगी और आसपास के क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। इसे टाउन एरिया हम घोषित कराएंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आपकी बात हुई, मुझे अलीगढ़ क्षेत्र के कुछ किसानों ने चिट्ठी लिखकर बताया, यहाँ बड़ी पुरानी काम चल रही है। चौधरी अजीत सिंह जी ने कोशिश की थी लेकिन वो कामयाबी हम लोगों को नहीं मिल पाई। वो यहाँ गन्ने का उत्पादन एक समय को होता था और ये मांग थी कि चीनी की मिल यहाँ कहीं ना कहीं बननी चाहिए। बात है कि नहीं, उस ओर भी हम लोग ध्यान देंगे। और आपकी फसल लाया की बहुत अच्छी है, आलू की पैदावार बढ़िया है, लेकिन भाव नहीं मिलता किसानों को, भाव नहीं मिलता। तो मैं और अखिलेश जी लगातार दौरे कर रहे हैं, प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं लोगों के बीच, और रोज के उन कार्यक्रमों में मैं रोज गौर कर रहा हूँ कि जहाँ अखिलेश जी बोल रहे वो कह रहे हैं। इस सरकार ने पाम ऑयल को बढ़ावा दिया, 11,000 करोड़ का नया मिशन मोदी जी ने फीता काटा कि हम पाम ऑयल की खेती कराना चाहते हैं। अगर पाम ऑयल की खेती को सरकार बढ़ावा देगी तो लाया कि आपकी फसल को क्या भाव मिल जाएगा। सरसों के तेल को बढ़ाइए, जो राशन की व्यवस्था है, जो पीडीएस की व्यवस्था है, तो पहले ही कह चुका है और समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल हुआ कि हम जहाँ संभव हो, जहाँ उत्पादन का केंद्र हो, आलू को भी राशन में जोड़ेंगे और सरसों का तेल भी जो गरीब राशन में। आज गर्म होकर क्यों बोल रहा हूँ, हमें भूलना नहीं चाहिए, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए। आज एक खास दिन है, आज देश पर हम उधर थे और कह रहे हैं कि आज हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। विश्वासघात दिवस क्यों? 13 महीने आंदोलन चला, 7,000 लोग शहीद हुए, लखीमपुर में गाड़ियां रोक के चल गई, मंत्री का मंचों पर बैठते हैं, उनका पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। और सरकार ने, मोदी जी ने जो किसान संगठनों को उठाने के लिए जो वादे किए थे कि तुम लौट जाओ अपने घरों में, तुम्हारी सारी बातें मान ली गई, उनमें से कोई वादा अभी पूरा नहीं हुआ। ना तो एमएसपी की ना जो तो मुकदमे दर्ज हुए थे 26 जनवरी में, एक क्षेत्र से भी ट्रैक्टर गए होंगे, यहाँ भी कोई किसान होंगे जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। लड़का भी आत्महत्या कर रही है ना।
आगे नीचे कर ले, न्याय चल रही है ना किसानों के विरुद्ध, मुकदमे वापस ले। वोट जो बड़ी बात थी भाव की, उसका उपाय निकला। समाजवादी ने बैठ के तय किया ये राज्य सरकार भी एमएसपी घोषित कर सकती है और हमारी मांग पहला काम होगा विधानसभा सत्र में हम इसको पारित करेंगे कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानून लाए और पारित करे ताकि पूरे देश के बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपने मुझे सौंपी है। आज चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच में, चौधरी चरण सिंह की याद आपके मन में आज भी दिन में ताजा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप मौका दो, एक बार मौका दो और आप देखोगे कि लखनऊ में आपका वर्चस्व क्या होगा। आप यहां सरकार बनेंगे, को अपनी वोट, परिवार वालों की वोट, मोहल्ले की वोट, सारी वोट उनके फेवर में देके, धन्यवाद।